जय जगन्नाथ मो प्रिय ओडिया भाई और भूणी मैंने तो दर्शकबिंदु बर्तमान समय जब बॉलीवुड वाला किसी ना किसी जो छोटर छोट भूल कर लोक मैंने टोटल इंडिया सह लोक ट्रोल करेंगे कि जब साउथ वाला एत बड़ बड़ भूल करके से मैंने लोक नजरअंदाज करेंगे तक इग्नोर करके न देखा भाई एक्ट करेंगे कहीं मन में गोटे बर्तन गोटे थॉट प्रोसेस एम चलती कि हाँ भाई साउथ तो सब फिल्म बढ़िया ट्रिपल आर बाहुबली पुष्पा रोबोट तापर केजीएफ टाइप मूवी भाई सब मूवी से टाइप नुहे भाई से मूवी आल मूवी आंतु सब मूवी से टाइप नुह साउथ भाई हजार हजार मूवी से बनाती वर्ष को तो सही मूवी जो सब मूवी साउथ रो पुष्पा के जी ट्रिपल आर टाइप रो ना भाई सेमती ना तक सिनारियो डिफरेंट अच्छी आउ सिनारियो कौन तक सिनारियो विषय टोटल आज बुझा यही वीडियो रे तो कौ बेसिस रे हमें कथाटी कहवा तो यही वीडियो रो मेन बेसिस हो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम कि मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ ए मूवी तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द मूवी हम जो कह मूवी मेकिंग गोटे बिजनेस इन द एंड एटा गोटे बिजनेस तो बिजनेस कौन मैटर करे प्रॉफिटेबिलिटी आपत टेक होम सैलरी के पैसा आपने इनकम कले टोटल के ग्रॉस कलेक्शन नेट कलेक्शन सब फैक्टर्स गुटा इनवॉल्व हुए तो ग्रॉस कलेक्शन जब गोटे फिल्म देखा ग्रॉस कलेक्शन के मैंने कटिला टैक्स कटिला जो कलेक्शन जो सेयार अच्छे से सेयार कटिला जी मैंने नेट कलेक्शन आसे कि प्राय टाइम बॉलीवुड रे भाई से नेट कलेक्शन देखा कि आपने भाई आपत कम इनकम होती साउथ रे भाई से कौन करना ग्रॉस इनकम देखते ग्रॉस कलेक्शन देखिए ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर भाई किसी ना कि गोटे टर्म्स को यूज करके आपको चिपकईदे आपने हाँ भाई फिल्म तो मस्त होती ताबड़तोड़ इनकम कर भाई साउथ रे कौन हुए ना ये जो कथी अच्छे साउथ रे कौन हुए आप सब नजरअंदाज कर दिखते कहीं आपने तो पचे पड़ी बॉलीवुड पचारे बॉलीवुड वाला टी कौन भूल गले आपरिकी खाली जपिवे खाली मैंने सोदे खाली कहे इयाड़ सोड़ क्या कहे कि साउथ वाला कौन टा भूल कहते आज आम कथ हाँ साउथ रे कौन हुए ना ग्रॉस कलेक्शन को भाभी नियंती कि टोटल कलेक्शन यह है ग्रॉस कलेक्शन को जज करी से मैंने कहती कहना भल हो फिल्मा कितु गोटे कथ मन रखा दरकार कि साउथ रहा कि फिल्मर बजेट अधिक था कलेक्शन कितु से टाइप हुए ना जदि आम कनसीडर कराया टू फर द मूवीज वारिस आपने देखते थुनिबू देखिए थुनिबू तो भाई तार कलेक्शन कथ मुझे अतापता ना से कौन तार मैंने फिल्मा तो ये बेकार होता मुझे कहबी बहुत ही बेकार लगेगा मतलब थुनिबू अजित कुमार को बहुत बड़ा फैन कितना तथा थुनिबू मतलब बहुत ही बेकार लगेगा वारिसा भल होता वारिस एज ए गुड मूवी कि दुटा मूवीज 250 कोटी पाखापाखी इनकम कर जाना मिलूँ से फिल्मर बजेट है पाखापाखी के 200 कोटी प्लस अच्छी दुईटा मूवीर 200 कोटी प्लस जो अच्छी 200 कोटी प्लस से 250 कोटी इनकम कर 220 कोटी प्लस भी किसी जगह जाना पड़े जदि 220 कोटी आप 250 कोटी इनकम कर 30 कोटी तो प्रॉफिट है भाई तरह ये ग्रॉस कलेक्शन मैंने बुझुटी तुम्हें कटो टैक्स कटो अन्न्य चार्जेस अच्छी सेयार अच्छी भाई थिएटर में सेयार जानते कि नहीं सिंगल स्क्रीन वाला 50% नि टिकेटर सेयार जो 100 टाँह थोड़ा सिंगल स्क्रीन वाला मिले के 50% तो मिलेगी 32-45% तो मैक्सिमम जीव कि मल्टीप्लेक्स वाला 50-55% जाए भी निदी एमती जो तेल आपर इनकम के जदि गोटे फिल्म 200 कोटी खर्च करेंगे सुपर हिट हाँ टैक्स जो दरकार ना से भाई एम डिफाइन करते ना बॉलीवुड जो गोटे फिल्म सुपर हिट बोली कहुच सर 2x मैंने जब 100 कोटी खर्च होता है 200 कोटी इनकम बोले सुपर हिट कह ब्लॉकबस्टर मैंने अधिका इनकम कर ब्लॉकबस्टर तरह सब टर्म्स अच्छी मैंने के इनकम कले सुपर सुपर मैंने सुपर डुपर कौन कहते सब टर्म्स गुड़ा अच्छी ब्लॉकबस्टर से सब टर्म्स डिफाइन होती इनकम कले 2x 2.5x 4x एम सब डिफाइन होकर अच्छी किमती कहे एमती इनकम गुड़ा डिफाइन कर टर्म्स गुड़ा को नोमेनक्लेचर करूँ एठे साउथ एमती कर फिल्म बनाऊँच जो मोटे फिल्म बनाऊँच 100 कोटी फिल्म तो राइट्स बिकली थिएटर का राइट्स 40 कोटी ठीक अच्छे 40 कोटी तो राइट्स बिकली 40 कोटी राइट्स बिकले 40 कोटी तेल उठीगला कलेक्शन 40 कोटी है मुझे कहबी एटा फिल्मा हिट अच्छे 40 कोटी हिट ताप 40 कोटी जितने 50 कोटी है कहबी आउ टे अधिका हिट ताप 50 कोटी जितने 60-70 कोटी है कहबी सुपर हिट पड़े सुपर डुपर मेगा हिट ताप 100 कोटी जितने कम्प्लीट है ब्लॉकबस्टर मैंने फिल्म में खर्च होती 100 कोटी कि फिल्म को कह 100 कोटी इनकम कले कह ब्लॉकबस्टर ता माने यहाँ कि फिल्म वाला जो बजेट रिकवरी होपर जी कहते फिल्मा सुपर हिट हो सारी साउथ लॉजिक क्या कहीं मैं यहाँ बहुत जगह डिस्कस भी हमारे देखी जाओ बहुत जगह मो सांगठ भी शुचे कि साउथ इंडियन कि मूवीज एत कलेक्शन ना एत कलेक्शन नए कि आपने भावती कलेक्शन तो थाए निश्चित भाव कि कलेक्शन एत सब्सटैंसली एत अधिक ना था जितकी बजेट थाए बजेट जो थी 250 कोटी 200 कोटी से बजेट टू टे अधिक इनकम करता आउ मेन बलिदान किए करते प्रड्यूसर्स मैंने करते क्या प्रड्यूसर्स मैंने इनकम बेसी हुए ना साउथ में इनकम तो हुए कि भाई एक्टर्स गुटा नहीं फीस गुटा प्रबल नहीं
थालापति विजय से डिजर्व भी करती क्या स्टार्स गोटे पावर अच्छी साउथ साउथ स्टार्स पावर जितने आपने भाभी पारे अलग लेवल रजनीकांत मूवी आसा अनंत अनंत फर्स्ट डे फर्स्ट हो टोटाल भुवनेश्वर फर्स्ट डे फर्स्ट हो गर्वर सहित कह 2021 ना कितने गुड़ा आसला दीपावली पूर्व किसी दिन भितर ना कौन तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो होती अनंत देखापी फर्स्ट डे फर्स्ट शो भुवनेश्वर जाइए देखापी तो जितने देखिए आसे अनंत मत फिल्मा आवरेज लगे एत भी खास ना मुविटा कि मुविटा कौन से 250 कोटी इनकम कर मत क्या लगे 250 कोटी इनकम कर फिल्म में खर्च 180 कोटी 250 कोटी कौन 220 कि 250 पाखापाखि भितर कहते लोक मैंने से टाइम कलेक्शन होती जब कह 220 कोटी कौन बेसी गला ना कौन 180 कोटी खर्च होते 220 कोटी इनकम कल 220 कोटी फेर ग्रॉस इनकम तार फेर टैक्स कटो तार फेर शेयर कलेक्शन अच्छे सब है जो कह जाए बेटर अच्छी नेट कलेक्शन न देखिए मैंने ग्रॉस कलेक्शन देखिए से खेल करेंगे भाई कमी हम ये कथा से कथा वैलिड हम ना बॉलीवुड से नेट कलेक्शन देखा कि ग्रॉस कलेक्शन देखिए खेल करेंगे भाई भावे लोक मैंने बोका कि ट्रेड एनालिस्ट मैंने अच्छा जमीन कि तारा नादर्स एंड मेनी अदर्स कोमन नहाता मैंने अच्छा तो मैंने एनालिसिस पर मुझे जानक पाली कि हाँ भाई मैंने ग्रॉस कलेक्शन देखा नेट कलेक्शन देखाऊँगी ग्रॉस कलेक्शन को देखिए खाली उपर पवन कर मैंने ये कलेक्शन से कलेक्शन है नेट कलेक्शन मैटर करे मेन मैटर करे नेट कलेक्शन नेट कलेक्शन जब मैटर है तेल प्रड्यूसर के टाँग पाए थालपति विजय फिल्म से नहीं 100 कोटी 150 कोटी मास्टर नहींगले 80 कोटी रजनीकांत नहींगला के मैंने 100 कोटी नहीं हो अनंत तर टोटाल फिल्मा 30 कोटी हो पड़ता था 30 कोटी हो पड़ता था सी जब 100 कोटी 110 कोटी 115 कोटी जो नौ फीस गुड़ा फीस गुड़ा ही बे खर्च हो तो फीस गुड़ा बे मैटर कर प्रड्यूसर मैंने कम इनकम कर साउथ बर्तन किसी दिन तले किसी दिन ना किसी मस कि वर्ष तले मुझे शुणी मोर जो मैंने कान में पड़ा न्यूजा कि मैंने साउथ में प्रड्यूसर्स मैंने बर्तन प्रोटेस्ट कर कि आंदोलन करें साउथ में आक्टर्स मैं कम करा कथ फीस कि गोटे मैंने बड़ बड़ स्टार्स मैंने ये इनकम करें डिमांड कर फीस इनकम जो करना फीस किसी मैंने वैलिडिटी अच्छी कहीं ना जब बिगिल जब फिल्म देखिए आपने थालपति भी जो 300+ जाए 300+ कोटी 1200 भी 250 कोटी मैंने आवरेज टू आवरेज फिल्म भी 150 कोटी प्लस जीव तो से ही सिक्योरिटी मैंने बेस पैसा देखा राजी होती कितने कथा कि जो एत पैसा दिहाँ आप प्रॉफिटेबल हो कि आप जो रईट्स बिके तो रईट्स बिकी प्रॉफिटेबल हो कि जब थिएट्रिकल रईट्स किणुचे आम ये कथे थिएट्रिकल रईट्स किणुता प्रड्यूसर के विषय में जी मैंने नेटफ्लिक्स आमाजन को बिकुन विषय कथ हो सी तो मैंने जी प्रडक्शन हाउस जी कर तो लाभ अच्छी कि बाकी जो प्रड्यूसर्स मैंने इनवल्व अच्छा लाभ तो ना से थिएट्रिकल थिएट्रिकल रईट्स किंतु बेसी लाभ ना कहीं तो जी पैसा खर्च से बुड़ू ना तो साउथ गोटे मुवी आसा आप जानते नेनु गोटे आसा अल्लू अर्जुन गोटे मुवी आसा जो से सोल्जर होते तो सोल्जर कौ मुवी होते नापेरू सूर्या ना एमती कौन मूवी था सूर्या ना था नापेरू सूर्या ना कौन था नापेरू सूर्या नारू इंडिया एमती कौन था तो नाटा मोर मन नहीं तो से मूवी बहुत ही अधिक हाइप होता से मूवीटा पाखापाखी थिएट्रिकल मूवी बजेट था 100 कोटी मूवीर थिएट्रिकल ना 100 कोटी ना मूवी कलेक्शन है 110 कोटी मूवीर बजेट था 55 कोटी तो टोटाल कलेक्शन है 120 कोटी पाखापाखी कि यार जो थिएट्रिकल एड्स या कि 110 कोटी तो से एक्सपेक्ट करते फिल्म आउट अधिक कलेक्शन करापी कि जेहतु से 120 कोटी कला टैग मिला कौन फ्लॉप ता मैंने बुझ्पी मैंने फिल्मा बनाई 55 कोटी कि फिल्मा कलेक्शन कला 120 कोटी तथा से फिल्मा फ्लॉप है फिल्म डबल टू भी अधिक इनकम कला डबल 10 कोटी अधिक इनकम कला तथा फिल्मा फ्लॉप टैग दिया कारण थिएट्रिकल लाइट्स किणाई है 110 कोटी ये इनकम होगा 120 कोटी मैंने 10 कोटी मैंने प्रॉफिट होती प्रॉफिट फिर टैक्स काट तापर शेयर कलेक्शन काट सब काटला प्रोड्यूसर्स मैं लॉस ही तो से कथा थिएट्रिकल लाइट्स के बिक्री हो सहीटा ही मेन कथा बड़ बड़ स्टार्स को सहित कथा अजित कुमार थाला अजित थालापति विजय अच्छा रजनीकांत एंड मेनी अदर एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस कथ कौन कहूँ भाई एक्ट्रेसेस कहीं जानते फिल्म देखा तो ठीक अच्छे जयलल्ला छाड़देले बाकी एक्ट्रेसेस फिल्म गुड़ा एत भी पावरफुल न था तो मैंने कह गले सत कथा मैंने एक्ट्रेस मैं देखेंगे जाते कहीं फिल्म 80% कलेक्शन हो साउथ रू हो बाकी 20% ओवरसीज रही है मैंने अमेरिका आप जानते नंदमुरी बालकृष्णन एंड पवन कल्याण का फैंस मैंने यूएस मैंने अमेरिका से लड़ूते मैंने बाड़े बेटा होते मैंने बुझ पार्छ कोई लेवल फैन बेस भाई आमर इटी भुवनेश्वर कई फैन मैंने बाड़े बाड़े बेटा हेन कहीं एत कहीं फैन बेस कह रहा ही एत कह गले सत कथ कि इंडिया न था कि अमेरिका में माड़ोड़ी होती गोटे फैन बेस जोटे कि इंडिया फैन बेस अमेरिका में माड़ोड़ी होती यूएस माड़ोड़ी होती
ବୁଝିପାରୁଥିବ କେଉଁ ଲେଭେଲର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଭୋସନ, କେଉଁ ଲେଭେଲର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ, କେଉଁ ଲେଭେଲର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଭ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଲେଭେଲର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଉଥରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ସେମାନେ ଜନତା କମେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ତ ଏତେ ଆଉ ନାହିଁ, ଏତେ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଲୁଜ୍ କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର କି ସାଉଥରେ ଯେଉଁଟା ଡାର୍କ ରିଆଲିଟି ଅଛି ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ବି ନିଜକୁ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡର କନଫିଡେଣ୍ଟ ବା ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ଭାବିବାନି ଯେ ଆମେ ହିଁ ସବୁ କୂଅରେ ଅଛୁ, ଆମେ କୂଅରେ ନାହୁଁ, ବାକି ସବୁ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା କି ଭାଇ ସେମାନେ ବି ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାଉଥରେ ବି ମୁଭି ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛି, ଆମର ଏଠି ଖାଲି ମୁଭି ଫ୍ଲପ୍ ହେଉନି, ସାଉଥରେ ବି ମୁଭି ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମୁଭି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଭାଇ ସବୁ ମୁଭି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ସବୁ ମୁଭି RRR, KGF, RRR ବା ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ ହେଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଭି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୁଭି ଆସୁଛି, ମୁଭି ଖରାପ ମୁଭି ହେଉଛି, ତାକୁ ତା ବିଷୟରେ କେହି କଥା ହେବେନି, ଖାଲି ଭଲ ମୁଭି ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ। ଏଠି ଧନୁଷ ଶିବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ମୁଭି ଆସିଲେ ସେ 100 କୋଟି 150 କୋଟି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ଅଛି ତାଠୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ଏଇ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ସଙ୍କର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିସିୟସ୍ ସାଇକେଲ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ପଇସା ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ରାଇଟ୍ସରୁ ପଳାଉଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ସେୟାର କଲେକ୍ସନରେ ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ବେଶୀ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉନି ଯେତିକି ମାନେ ଅଧିକା ହେବା କଥା। 100-150 କୋଟି ଫିଲ୍ମ ମାନେ ସେଥିରେ ତା'ର ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲଟା ମାନେ ତା'ର ଅଧିକ ଇନକମ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉନି, କାରଣ ଆକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ଫିସ୍ ବେଶୀ, କାହାଣୀ ନର୍ମାଲ କାହାଣୀ, ଖାଲି ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଫିସ୍ ମିଶାଇଲେ ଫିଲ୍ମଟା ବେଶୀ ବଜେଟ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମର ମାନେ 30 କୋଟିର ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଶିବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଯଦି ଧନୁଷ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ଫିଲ୍ମ କରିଦେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସାଉଥ ତ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ମହେଶ ବାବୁ ସେମାନେ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ବନେ ତାହେଲେ ଅଧିକ 100-100 କୋଟି ନେଇଯିବେ ଭାଇ, 100-100 କୋଟି ନାହିଁ, 70-80 କୋଟି ପାଖାପାଖି ନିଅନ୍ତି ମହେଶ ବାବୁ ହେରିକା। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ର ପଇସା ଇନକମ୍ ହୁଏ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇକୋନୋମିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ସାଉଥ ମୁଭିଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱେକ୍ଅପ୍ କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ରିଆଲିଟି ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସି ଶୁଣ ରିଭ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ସୋନାଲ ବିଦା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମନ୍ଦିର ଜନୀ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।